हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पन धाकड़ स्वागत करता हूं आपका धाकड़ एकेडमी में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। और कंग्रेचुलेशन, ये आपका लास्ट टेंस है, बार बार टेंस है, 12th टेंस है। और इसको पढ़ने के बाद आप टेंस की मास्टरी हासिल करने वाले और आपको टेंस पूरा आने वाला है। तो इस टेंस को भी इस टेंस में मास्टरी हासिल कर लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग जाइए। चलिए शुरू करते हैं। इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, बट इसमें टाइम दिया रहता है, जैसे कि प्रेजेंट में और हमने पास्ट में पढ़ा था। टाइम वही 5 दिन, 15 दिन, 50 दिन। जैसे कि वो 5 बजे खाना खा रहा होगा या वो 10 बजे पढ़ा रहा होगा। तो इस तरह के सेंटेंस आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, विल हैव बीन, तीन चीजें आ रही, विल देन हैव देन बीन, विल हैव बीन, विल हैव बीन। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा और साथ में आएगी उसके आईएनजी। चलिए तो आते हैं हम सिंपल सेंटेंस पर। अब यहाँ पर सिंपल सेंटेंस पहले मैं आपको बता दूं कि निश्चित समय के लिए सेंस का और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं, क्योंकि हम अभी सेंटेंस में कर ही लेंगे और हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी देन आपका ऑब्जेक्ट देन सेंस या फॉर और प्लस इसके बाद टाइम। 5 बजे से बारिश हो रही होगी, 5 बजे से बारिश हो रही होगी। इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस 5 o'clock, इट विल हैव बिन रेनिंग सिंस 5 o'clock। वो 5 घंटे से पढ़ा रहा होगा, वो 5 घंटे से पढ़ा रहा होगा। तो क्या होगा इसका, ही विल हैव बिन टीचिंग फॉर 5 आवर्स। फॉर आपका अनिश्चित समय, इसलिए फॉर आएगा। तो ही विल हैव बिन टीचिंग फॉर 5 आवर्स। तुम 3 घंटे से गाना गा रहे होंगे, तुम 3 घंटे से गाना गा रहे होंगे। तो you will have been singing a song for 3 hours। तो इसी के साथ आपका सिंपल सेंटेंस है। अब आते हैं नेगेटिव पे और ध्यान रखने वाली बात, समझिएगा। सब्जेक्ट देन विल देन नॉट या फिर वोंट, देन हैव बीन देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी देन ऑब्जेक्ट देन सिंस या फॉर और इसके बाद टाइम। 5 बजे से बारिश नहीं हो रही होगी, 5 बजे से बारिश नहीं हो रही होगी। तो इट वॉन्ट हैव बिन या फिर इट विल नॉट हैव बिन रेनिंग सिंस 5 o'clock, सिंस 5 o'clock। वो 5 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा, वो 5 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा। तो ही वॉन्ट हैव बिन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 आवर्स। मोर 5 दिन से नहीं नाच रहा होगा, मोर 5 दिन से नहीं नाच रहा होगा। तो पिकॉक वॉन्ट हैव बिन डांसिंग फॉर 5 डेज। दिन आपका होता है अनिश्चित समय। अब आते हैं इंटरोगेटिव पे। इंटरोगेटिव में क्या होगा, फॉर्मूला विल देन सब्जेक्ट देन हैव बिन देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी देन ऑब्जेक्ट देन सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्या 5 बजे से बारिश हो रही होगी, क्या 5 बजे से बारिश हो रही होगी। तो विल इट हैव बिन रेनिंग सिंस 5 o'clock, विल इट हैव बिन रेनिंग सिंस 5 o'clock। क्या वो 5 घंटे से फुटबॉल खेल रहा होगा, क्या वो 5 घंटे से फुटबॉल खेल रहा होगा। तो क्या होगा इसमें, पहले आएगा विल, वो है तो ही, विल ही हैव बिन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 आवर्स। 5 घंटे की बात हो रही थी इसलिए फॉर आ गया। क्या तुम 5 घंटे से पढ़ रहे होंगे, क्या तुम 5 घंटे से पढ़ रहे होंगे। तो क्या होगा, विल यू हैव बिन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस पे। इसमें क्या होगा, will plus subject then not then have been then verb का first form then ing then object plus since या for plus time, या फिर want plus subject plus have been plus verb का first form plus ing plus object plus since या for plus time। क्या तुम 5 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे, क्या तुम 5 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे। तो want you या फिर will not you have been studying for 5 hours। क्या 5 बजे से बारिश नहीं हो रही होगी, क्या 5 बजे से बारिश नहीं हो रही होगी। Won't it have been raining since 5 o'clock? Won't it raining since 5 o'clock? क्या तुम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, क्या तुम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। Won't you have been
प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। तो होप यू गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ आपका ये सेंटेंस ही फिनिश होते हैं, और ये सेंटेंस साथ ही आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी फिनिश होता है, और इसी के साथ आपका फ्यूचर टेंस फिनिश होता है, और इसी के साथ आपको टोटल टेंस भी फिनिश होते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, इसी के साथ आप पूरे के पूरे टेंस पर मास्टरी हासिल कर लिए, और अब आप इस इंग्लिश बहुत आसानी से बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं, और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे। आगे की चीजें जो है आपको इसी टेंस पे बेस्ड मिलेंगी, तो गाइस टेंस को बार बार रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िएगा और झंडे गाड़ दीजिएगा। तो वीडियो को अंदर देखने लगा बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी आपको टेंस जितने भी अच्छे लगे आप पूरे का फीडबैक लिखें, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पेरेंट्स को इस कोर्स को रिकमेंडेड करें, उनको भी बताएं इस कोर्स करो, उनकी भी इंग्लिश सीखने में मदद करें। वीडियो को अंदर देखने लगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।